हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शहनाज कौर गिल के फैंस तो ये खबर जरूर ही देख लें, क्योंकि ये खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो कि आई है कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ी हुई। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, बीते दिनों इस तरीके की खबर वायरल हुई कि शहनाज की वजह से जस्सी गिल रिपीट दोस्तों बीते दिनों कुछ इस तरीके की खबर वायरल हुई कि शहनाज की वजह से आयुष शर्मा फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को छोड़ रहे हैं। हालांकि अब कुछ और ही खबर सामने आ गई है। अपनी पिछली रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि आयुष शर्मा का फिल्म से एग्जिट करना कभी ईद कभी दिवाली से, इसका कोई भी लेना देना नहीं है शहनाज गिल से। अब एक और नई खबर आ गई है जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दरअसल ये कहा गया है एक सोर्स की तरफ से जो कि फिल्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो आयुष को किसी ने रिप्लेस ही नहीं किया है, यानी कि आयुष शर्मा का जो किरदार था वो किरदार पूरे तरीके से रीराइट किया गया है, ये कहा जा रहा है। लिखा गया है इसमें कि टेक्निकली किसी ने भी आयुष को रिप्लेस नहीं किया है, जो कैरेक्टर है वो पूरे तरीके से दोबारा लिखा गया है और मेकर्स जो हैं फिलहाल आयुष शर्मा या जस्सी गिल पर नहीं, फिलहाल उनका फोकस चल रहा है एक्टर ढूंढने के लिए अपोजिट सिद्धार्थ निगम, यानी कि भाई तलाश चल रही है कोई एक्ट्रेस की जो कि सिद्धार्थ निगम के साथ नजर आए। अब पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई आयुष वाला जो किरदार था वो ना ही तो किसी ने रिप्लेस किया है और ना ही उनकी जगह कोई फिल्म में आया है, बल्कि एक किरदार नया ही लिखा गया है जिसको जस्सी गिल को दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।